माय YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं फंक्शन में। मेरी देवरानी है, उसकी बहन का कुआं पूजन है आज। वो देखो बोरी बिंदिया, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मेरी लुक, मेरी देवरानी की लुक और मेरी सासू माँ की लुक। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि हम तीनों एक साथ कैमरा में होते हैं। तो अरे अरे कोई आई नहीं रहा, हाय कर दो पहले। लग तो गई। हाँ अब मैं दिखाती हूँ अपनी देवरानी की लुक और अपनी लुक क्या चाहिए। ये है मेरी देवरानी की लुक। ये लहंगा खुद डिजाइन करवाया हुआ हमने, और मम्मी की भी दिखाती हूँ। फिर ना शाल की जुटना है। अच्छा ये है मेरी लुक। इसको रात को ठंड लगेगी, मैं तो लूंगी। मैं दे दूंगी ओके, पर काला ना ले, लाल जाए। ये मेरा वेलवेट का स्टॉल है, ये मैंने इसके साथ और दो सुंदर ले ना। कोई और ना 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 कोई जुटना है। और इस साइड से दिखाऊं, वहां पर पूरा तैयार हुआ है ना सारा। हेलो और अच्छा ए कति बुढ़ापा में चला पार दिया। तैयार होकर हम सब बैठ गए थे कार में और पहुंचने लगे लोकेशन पे। लोकेशन बहुत ही पास थी, 2 से 3 मिनट का ही रास्ता था हमारे घर से। तो हम सारे बैठ के पहुंच गए लोकेशन पे। परी, मैंने परी की तो ड्रेस दिखाई नहीं। परी की तो ड्रेस है, परी दुपट्टा कहाँ है? क्लास घर पर आपको लाना था, मैं तो गाड़ी में बैठी थी। कहाँ गई परी? उठ गई। यहाँ पर गाना था, कॉपीराइट आ जाता है यहाँ पर की मेरे हस्बैंड ने तारीफ। कैसे लगता? और कैमरा देखते अपनी मूंछों को ताव ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर हमने कर ली खाने पीने की तैयारी, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा तेज भूख और कंट्रोल मेरा रहता ही नहीं मुझ पे। तो यहाँ पर हमने प्लेट्स वगैरह सजा ली थी। वहाँ पर मैं परी को बुला रही थी कि परी आ जा, पर परी के हमारे नखरे बहुत ज़्यादा हैं। फिर मैंने अपनी प्लेट उठाई और कर दी खाने पीने की तैयारी, और वो शूट नहीं कर पाई मैं। यहाँ पर डीजे चल रहा था, सब डांस कर रहे थे, थोड़ा बहुत मैंने भी डांस किया, वो क्लिप्स मैं ऐड कर दूंगी। यहाँ पर ही आई आग बबूला होते हुए, क्योंकि छोटा भाई हमने उसको बहुत लेट दिखाया और वो बार बार बोल रही थी मुझे दिखा के लाओ। गुड मॉर्निंग माई YouTube फैमिली, आई होप आप लोगों को कल का लुक मेरा अच्छा लगा होगा। हाँ, थोड़ा मोटापे की वजह से कपड़े वपड़े इतने फब नहीं रहे मेरे पे, पर ठीक है, अब शौक है, वो शौक तो पूरे करने ही होते, क्योंकि साड़ी में मैं फील कंफर्टेबल फील नहीं करती और लहंगा मेरा फेवरेट है जैसा कि आप लोग जानते हो। तो कल जो मैंने लहंगा डाला था वो थोड़ा सा टाइट भी हो गया था मेरे पेट पर से, बट पहनना तो था ही। हमने थोड़ा सा डांस भी किया, एंजॉय भी किया। और आज है एक स्पेशल डे। स्पेशल डे इसलिए है कि सुबह मैंने परी को स्कूल भेज दिया है, और जैसे ही परी स्कूल गई 6:45 पे अप्रॉक्स उसकी कैब आ जाती है उसको लेने के लिए। और जैसे ही वो गई वैसे ही मैंने शावर लिया, सूट डाल लिया, क्योंकि आज मुझे जाना है अल्ट्रासाउंड के लिए। 7th मंथ में मेरा अल्ट्रासाउंड होना था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैंने उस टाइम नहीं करवाया। अब मैं पूरा 1 मंथ डिले कर चुकी हूँ उस चीज़ को। कलर्ड अल्ट्रासाउंड होता है जो, वो अल्ट्रासाउंड मैं आज करवाने जा रही हूँ। कल अपॉइंटमेंट लिया था और आज वो अल्ट्रासाउंड है। तो अभी जस्ट परी के जाते ही मैंने शावर वगैरह ले लिया था।
अब मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, जैसे वो आएंगे वैसे हम अपना एक साइड बैठ के दूध और गूंद के लड्डू खाएंगे। मेरी मम्मी ने मेरे लिए बना के भेजे थे क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस थी और डॉक्टर ने बोला था कि अपना खाने पीने पे ध्यान दो, तो मेरी मम्मी ने गूंद के लड्डू बना के दिए थे मुझे जो कि डेली मैं खाती हूँ। मेरे ख्याल से मेरे हस्बैंड भी आ गए, तो जैसे वो आए हैं दूध गर्म करेंगे और दोनों एक साथ बैठ के धूप सेकेंगे और लड्डू और दूध खाएंगे। मैं झोटी माच रही हूँ, कदर है इतनी खूबसूरत वाइफ मिली आपको। नाक ठंडी हो रही है, नाक ठंडी नहीं हो रही, नाक बस रीट में बहता है आपके, में रीट बहता है कह रही हूँ मैं। सूगले आज मैं नहा ली, आके क्यों नहाना था, क्यों आप तो पागल हो, बाहर कोई बिना नहाया जाता, कंघी करनी है बस। दूध गर्म कर ले, आज मैं खड़ी मिल रही हूँ तो मेरे से दूध गर्म करवाएंगे, वरना खुद करके कहते हैं मट्टी खड़ी है ले दूध पीवांगा। अब अगर तो दूध गर्म बर्तन है, ये रहा लड्डू मेरी मम्मी ने बना के भेजा था क्योंकि डॉक्टर ने वीकनेस बोली थी और मेरी मम्मी का हमेशा से था कि कमज़ोर हो रही है, बच्चे का ध्यान दे अपना ध्यान दे, तो मेरी मम्मी ने मेरे को ये ड्राई फ्रूट्स डाल के लड्डू बना के दिए थे। अब ये ख़त्म होने वाले, मेरी मम्मी एक्चुअली मेरी नानी की तबीयत जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कुछ व्लॉग्स में कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वो ICU में हैं, अभी पहले से बेटर है, तो उन्हीं के पास रहती है, मोस्टली हॉस्पिटल में ही रहती है मेरी मम्मी, तो इसलिए एक दिन आई थी घर पे और मेरे लिए बना के चली गई और अब ये ख़त्म होने वाले हैं। 1 किलो घी में ही बनवाए थे मैंने थोड़े से कि पहले खा के देखूंगी खाए जाते हैं कि नहीं खाए जाते, बहुत टेस्टी बने थे। अब ये ख़त्म हो गए हैं, 2 लड्डू और बचे हुए बस, तो अब मम्मी फिर से आएंगी और फिर बना के मेरे लिए लड्डू दे के जाएंगी। माँ कितना करती है ना हमारे लिए, बहुत करती हैं, इतना सोचते हुए फिर भी लड़ती रहती हूँ अपनी मम्मी से। हटा देना, मैं आपको पढ़ना है दे रही हूँ। यस, आप एकेडमी से आए हो, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं शक्ल देख लूं अपनी बीरबानी की। औरत कहीं ना जाओ, पूरी जिंदगी यहीं पड़ी रहेगी, लेकिन जो वक्त निकल जाओगे, जो वक्त ये दोबारा लौट कर कभी ना आवे। अच्छा फिर ये बता दो, मैं कल कैसी लग रही थी? कल बढ़िया लग रही थी। तेज बोलो। बढ़िया लग रही थी, बढ़िया। तो अपने को देख के नहीं बात करो, मेरा फोकस कहीं और है। झूठे का सर्विस में एक कप चाय दूसरी कप चाय। चाय पे जिंदा होता है, दूसरा कप किसने चाय पिया है? ये झूठे, मैं चाय पीती नहीं, मैंने पिया ना दूसरा कप, फिर अपने आप आ गया दूसरा, कल का रखा है, कल का रखा है, चाय पे जिंदा हूँ मैं। ऐसे झूठे इंसान हो ना आप, मेरा लड्डू चबा गए सारे, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। कसर कोई छोड़ो ना मेरी जान, मैं तेरे लाड लड़ाने में बने ना तेरी मेरी बात। I'm hot.
काफी खूबसूरत लड़की देखी नहीं अरे तो मैं सुन क्या आप क्या अरे बैठ के कमर में दर्द हो जाए बस बहुत बढ़िया और कुछ लगता होगा ना भगवान देखा भगवान तो क्या बताओ ना भगवान देखा है देख लिया इतने लिपटे हुए हो इतना वर्कआउट करके फिर भी ठंड लग रही है बताने क्यों लग रही है सच में ज्यादा लग रही है और है और ठंड लग रही है मजाक कर अरे ठंड लग रही मजाक क्यों करो ठंड का मजाक हुआ क्या कमजोरी आ रही है कमजोरी में आप सदमे में हो दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाएं मेरी याद करोगी पी लो गरम गरम दूध